दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच थर्ड ओडीआई मुकाबला खत्म होने के बाद एयरपोर्ट में नजर आया शुभम गिल और सौरभ तेंदुलकर। इनका हुआ फोटो वीडियो वायरल, तो क्या है कुछ खबर की जानकारी बताएंगे आपको पूरा इसी वीडियो में। उससे पहले आप भी जो शुभम गिल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते। दोस्तों आपको जानकारी करवा दें, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों का ओडीआई सीरीज खेला जा रहा है, जहां पर पहला और दूसरा दोनों ओडीआई में टीम इंडिया ने जीत हासिल किया। लेकिन दोस्तों आज के डेट ही जो फिर से जो थर्ड ओडीआई मुकाबला खेला गया था, आज का मुकाबला जो बहुत ही घातक मुकाबला खेला गया था, जहाँ पर आपका जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर ये मुकाबला जो टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों आपका जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम 392 रन किया था 7 विकेट गवा के 50 ओवर में। लेकिन टीम इंडिया 49 ओवर में जो 286 रन किया है, जो टीम इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा दुख की बात है। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया चाह रहा था जो इस मैच में जो टीम ऑस्ट्रेलिया को हालांकि क्लीन वॉश करना चाह रहा था, लेकिन ये तो नहीं कर पाया। दोस्तों आपका जानकारी कल बता दूँ, लेकिन इस सीरीज़ को अपना नाम कर लिया है टीम इंडिया, क्योंकि दो पहले मैच जीता है टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इस मैच में थर्ड ओडीआई मैच में हारने के बाद जो यहाँ पर शुभम गिल और सौरभ तेंदुलकर दोनों एक साथ एयरपोर्ट में नजर आया, जो देख के अभी फोटो इनका वायरल हो गया सोशल मीडिया में, जो देख के फैंस जोरों तोरों से अभी शुभम गिल को और सौरभ तेंदुलकर को ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपका जानकारी के लिए बता दूँ, टीम इंडिया की सीरीज नाम कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या रही, अपना कीमती राय जरूर बताएं।